ठीक। बाहर जाने का टाइम हो रहा था और एज यूजुअल हमेशा की तरह बाहर जाने से पहले इनका ऑफिस का कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाता है। इनका ऑफिस का एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले जाने से पहले कहीं पे भी हो, छुट्टी हो या कुछ भी, तब भी अब बोलो क्या बोलना है, बोलो। हम लोग जा रहे हैं छोटा मोटा मार्केटिंग करना है हम लोगों को, उसके लिए तो ये रे तक्ष जी हमारे, तक्ष के पापा हो रहे, हम लोग निकलते हैं। पानी की बोतल ले लिया, छोटे बेबी को घर पे ही रहने दिया, उनका जाना ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं, अपनी नानी के साथ है और तक्ष मेरे साथ है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हमारी गाड़ी, हाँ चलो तो मिलेंगे आपसे, मार्केट जा रहे हैं क्योंकि अब फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना काम निपटा लूँ, क्योंकि मम्मी को भी जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में घर पर भी किसी का रहना ज़रूरी है, वहाँ कोई नहीं है इसलिए। तो अभी मैं इससे पहले जाके कर लूँगी तो दोनों बच्चों को लेके मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा तो इजी हो जाएगा, इसलिए वो अभी घर पे है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, तो इसलिए मैं अपना आराम से निकल जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, चलिए ठीक है, चलो तो क्या बोलो बोलो, पापा खोलो तो नहीं करोगे। अच्छा रुको मैं खोल दूँ, अच्छा छठ ऑफ में खोल दूँ, मेरे हाथ में बोतल भी है ना, एक में पहला बोतल भी है। बोलो कुछ, क्या बोलो आप बोलो कुछ। तो हम बैठ चुके हैं कार में और चल रही है कार, और कार के ड्राइवर को भी मैं आपको बता दी, तो मेरे पापा कार के ड्राइवर कौन है पापा, और शीशा लगा हुआ है वहाँ पे कार का। तो जी बेसमेंट से आए हैं बाहर, अभी निकलते हैं, अब जाके उजाला मिला है ना तक्षे। हाँ मम्मा, है ना, आज तो धूप है, वरना इतने दिन से बारिश का मौसम हो गया था, और आज जो लग रहा है इतनी तेज धूप नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है धूप, है ना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, नहीं वीडियो बनाते हैं ना। क्या बनाओगे वीडियो में बताओ, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट बहुत दूर की, नवरात्रों का सामान मिलने लगा देते। हाँ नवरात्र, नवरात्र स्टार्ट हो, नवरात्रों का सामान देते, नवरात्रि नवरात्रि वही, आपने नवरात्रि क्यों बोला, सब मिल रहा है अब सामान। देखिए नवरात्रे शुरू, और नवरात्रों से पहले ये देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ पूरा मार्केट नवरात्रों का लग चुका है अच्छे से। तो जी हम मार्केट आ गए हैं और शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि दिवाली है, नवरात्रे है, करवा चौथ है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही है, तो शॉपिंग तो बनती है, तो मैं पहले थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि उस टाइम पे मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा छोटे बच्चे के साथ, और मम्मी को भी घर जाना है दिवाली से पहले, तो इसलिए मैंने कहा चलो अपना काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर पर भी कोई नहीं है, वहाँ पर भी होना कोई ज़रूरी है इसलिए। ठीक है,
तो ये मैं ले रही हूँ तक्ष के लिए कुर्ता पजामा, देख रही थी लेकिन कोई समझने नहीं आ रहा था। और मैंने छोटे बच्चों के भी कपड़े लिए हैं, एक्चुअली मुझे किसी को देने भी है मतलब गिफ्ट के लिए, और अपने मतलब तिशान के लिए भी लिए है छोटे बेबी के लिए, और तक्ष के लिए भी देख रही हूँ कुर्ते में, क्योंकि तक्ष के साइज़ के कुर्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं सोच रही थी इस बार कुछ अलग सा डिज़ाइन उसके लिए लूँ, तो ये मैं उसको पहना के देख रही थी। मैंने पहना के देखा था अलग कुर्ता है कैसा लग रहा, लेकिन इतना जमा नहीं मेरे को ये, तो मैंने काफ़ी कुर्ते निकलवाए इसके लिए, मैं पसंद कर रही थी उन्हीं में से। तो एक तो वो पहनने भी नहीं दे रहा था मुझे, पहनाने भी नहीं दे रहा था, बार बार भाग जा रहा था उसे खेलने की, ज़्यादा लग रही थी इसलिए। तो बस हमारी शॉपिंग बस ऐसी चलती जा रही थी, उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी थी हम लोगों को, तो हम इसके बाद सीधा हम खाने के लिए कहीं पे बैठ गए थे थोड़ा बहुत और सामान खरीद के। और ले लो जो ये मसालों से पूरा खोलो तो सही पहले। तो भाई ये लोग तो तक्ष क्या खा रहे हैं, मसाला डोसा खा लो खा लो। तो ये लोग तो खा रहे हैं मसाला डोसा। कैसा है? ठीक है, चलिए मैं भी खाती हूँ छोटी छोटी। अभी हम लोगों ने क्या खाया, डोसा वगैरह खा लिया, और अभी मसाला डोसा तक्ष की नानी के लिए पैक करवा लिया है, डोसा तक्ष के लिए करवा दिया है, नूडल्स सब पैक हो गया, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में थे ना, यहाँ गाड़ी पार्क करने की कोई जगह ही नहीं है, तो हमने सोचा चलो अब चलते हैं और जाके अब सीधा घर जाके ही खाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना, है तक्ष थोड़ा अपनी गाड़ी मुझे खा दो अपनी गाड़ी। हाँ वो खड़ी है वहाँ पे, गाड़ी देख ली हमने, ठीक है चलो। तो जी फाइनली सारा काम हो चुका है, तक्ष और हम लोग भी बस सब बैठे हैं और अब जा रहे हैं घर की तरफ। खा पी लिया लेकिन थोड़ा ना खाने को एंजॉय नहीं कर पाए, है ना तक्ष, हड़बड़ी में खाया बहुत जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ जगह मतलब इतना, एक तो त्योहारों का टाइम स्टार्ट हो गया कल से, आप देखो लोग इतना मार्केट लगता है और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, तो अभी क्या है कि इस वजह से हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की भी दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, इसलिए हम फटाफट से निकल आए। कोई बात नहीं, हमने पैक करवा लिया, हम घर जाके एंजॉय करेंगे, है ना, गाड़ी पार्क। अरे गाड़ी नहीं, खाना एंजॉय करेंगे बेटा, ठीक है। तो फिर अभी घर पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। अभी बात करो बात करो, लो मैंने ऐसे कदम बोल बेटा, सीट को मेरे पास के मतलब से चौक।
पहुंचने ही वाले हैं। जाए बेटा बेबी के पास ऐसे मत जाना, पहले हाथ मुंह धोना अच्छे से, सैनिटाइज करना है, और उसके बाद ठीक है बेटा, उसके बाद गाड़ी चलाना, फिर से जाऊंगा पेट भरने में। क्या बोल रहे हो, मैंने क्या बोला आपको अभी? क्या वॉश कर रहा है? पूरे 60 किलोमीटर गाड़ी चल गई। तो 60 किलोमीटर है। तो जी हम आ गए हैं घर, पहुंच गए। हाँ तो ये रहा सामान मेरे पास भी, मैं तो उठा भी नहीं पा रही हूँ। तक्ष के पापा ने आधा सामान पकड़ा है। आवाज नहीं आ रही ना बाहर, चले चलो यार, इतना थक गए सही में। अब ये है कि मेरा सारा काम हो गया, अब क्या कि बच्चे को लेके ना बारह मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। त्योहारों का टाइम होता है, भीड़ भाड़ होती है, इतने छोटे बच्चे को लेके कोई कैसे जाएगा। जितनी मार्केटिंग भी मेरी सब हो गई है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग बना पाई, पूरा नहीं बना पाई, जितना हो सका बना लिया अभी। और बस ये कि अब तशिया पर एक चक्कर पड़ गया कि बच्चे को लेके कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना। तश के पापा थक गए होंगे क्योंकि अभी ना ये न्यू ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी इतने अच्छे से। और मैं भी थक गई हूँ, यहाँ पर सीट भी नहीं लगाई। मैं तो गर्म ही पीऊंगी ना। चलो जी दबाओ, एटीन दबाओ, चलो चलो भाई। इनकी तो हालत खराब हो गई है, ये पापा ने अभी मुझे जैसे सके, मुझे लगता है पापा ने स्कूटर को बोले तो बोले तो मुझे लगता है कि अगर मैं स्कूटी से जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इतना सामान कैसे आता फिर सामान लेके नहीं आते, घूम के आ जाते, घूम के खा पी के आ जाता। लेकिन भाई ये मतलब सामान लेने के चक्कर में मेरी लग गई यार। लेकिन ये अब चक्कर बचा कम से कम 15 दिन 20 दिन, दिवाली तक का चक्कर बच गया ना। ये तो देखो इनकी लग गई, ये वैसे चार बार जाने को तैयार रहते हैं कि चार बार चले जाए, लेकिन और चिड़िया कौन सी, मात्रा की बड़ी की छोटी मुंह नहीं दिख रहा।